पैशन यही पानी बनाना। नहीं रे भलता हो जाएगा ऐसे कुछ बोल दिया। फिर लॉकडाउन में हाँ वो तो गया, फिर बाद में कर्ज लेना पड़ा। हाइजीन रखो, हक से नाव लग से ये घुस जाता है ना, ये पूरा नस लेके आता है बाहर। ये काम को हो गया काफी 30 साल हो गया। हमारे पिताजी थे वो करते थे, अभी उन वो रिटायर हो गए, अभी हम लोग करते, क्योंकि ये हाथ की कला है ना, हम लोग को सब कारीगरी है इसमें। अभी मेरा जन्म इधर का ही है, तो हम लोग का गांव है इंदौर और उम्र है 38, नाम है दिलीप गल्लोरे, ठीक है। वो तो धंधा है, धंधा में कभी आगे भी होता है कभी पीछे भी होता है। पहले से रेखा नहीं है, अभी सब चीज़ का महंगाई बढ़ गया है, तो हिसाब से पहले 5 रुपये में किया इतना साल, अभी 5 रुपये बढ़ा है हम लोग। अभी चप्पल का, बारिश में फिर छतरी का हम लोग काम करते हैं। दुकान पर तो खोलने नहीं दिया, तो अभी क्या है, अभी लॉकडाउन में था वो तो गया, फिर बाद में कर्जा लेना पड़ा, कर्जा लेके चलाया घर, बाद में फिर धीरे धीरे चालू हुआ, उसके बाद में फिर थोड़ा पटरी पे आया गाड़ी। अभी लॉकडाउन करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि पहले लॉकडाउन में सब बहुत लोग ने सब कुछ खो दिया है, किसी की नौकरी गई तो किसी का प्रॉब्लम हुआ है। अभी लॉकडाउन करेंगे तो फिर मतलब नहीं ना, आम आदमी क्या करेंगे फिर। अभी हमारे जैसे को तो हम लोग को तो रोज़ खोदना है रोज़ पीना है। अभी कोई ऑफिसर रहा बड़ा, उसका जूता निकल गया तो वो हाथ में उठाने में शर्म नहीं आएगा उसको। फिर अभी हम लोग क्या है, पब्लिक सेवा करते हैं, हम लोग पब्लिक सेवा करते हैं, कमाने के इसमें कुछ नहीं है कि हमको वही चाहिए। और अभी कोई चप्पल ले लेगा 200-250 रुपए ले रहा है वो, क्या है सब अलग अलग लोग है, अलग अलग सोच है। जिसको मालूम है वो चुपचाप देखे, जिसको मालूम है कि बाबा ये मेहनत करता है तो वो कुछ चुपचाप देखे जाता। बाकी तो बहुत है कस्टमर लोग, कस्टमर कैसे मालूम है, अभी ऑलरेडी हम लोग कस्टमर को पहले रेट बता देते कि भाई इतने का इतना आएगा। अभी कोई कस्टमर बोलने के बाद भी फिर कम पैसे दे गए दे के जाएगा तो कैसा है, मेहनत पूरा का पैसा कम, और फिर हम लोग को बुरा नहीं लगता है ना। अभी महनत हम लोग पूरा करते हैं तो पैसा भी पूरा दो, चले क्या है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी क्या करेंगे, कस्टमर झगड़ा तो करना नहीं, चलो भाई एक नहीं तो दूसरा क्या है। अभी कस्टमर भगवान है हमारे लिए, तो लेकिन वो लोग को सोचना चाहिए कि भाई हम लोग का इतना प्रॉब्लम है तो ये सोल्व करके दे रहा है, तो वो सोचना चाहिए लोग। देखो काम अच्छा हो जाता है ना तो टूटता नहीं है। हाँ वेलकम है ना। अभी लाइट बिल का 1000 रुपये आता है। अभी चप्पल लेने जाओ तो पहले सरी का रेट नहीं है, अभी सबका डबल डबल रेट है, धागे का रेट महंगा है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन का मोम का सबका महंगा है। अभी लॉकडाउन की वजह से सबका भाव बढ़ गया है, तो पहले आता था 12 रुपये का, अभी 30 रुपये का आता है, और क्वांटिटी भी कम देता है, पहले सरी का क्वांटिटी नहीं देता है लोग। छुट्टी तो होता नहीं, कभी अर्जेंट काम हुआ तो छुट्टी रहता है, बाकी कंटिन्यू चल रहा है, सुबह 10 से रात को 10 तक चालू रहता है 12 घंटा। कभी ऐसा मन हुआ कि आज नहीं करना चाहिए, आज आराम करना चाहिए? नहीं, अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ कभी या तबीयत वगैरह खराब नहीं, या कोई घर में मेहमान या किधर जाना रहेगा तो छुट्टी कर सकते। बिजनेस करने को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कैसे है ये सब लोग को वो नहीं होएगा, क्या है जिसका काम उसी को ही आता है, सीखना पड़ता है ना, क्योंकि ये सब औजार ये सब हथियार है, ये सब है ना, इसको इसको चलाना बोले तो खाने का नहीं। अभी नया नया मैं सीखा था ना, तो ये इधर घुस गया था इतना, तो मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा निकालने को, कि ये घुस जाता है ना, ये पूरा नस लेके ही आता है बाहर, इसके लिए सब संभाल के पड़ना पड़ता है। देखो ये सब हाथ में लगता है ना, कटता है पूरा, इसके लिए ठीक है सब तो हाथ में लगता है ना, ये सब संभाल के चलाना पड़ता है, औजार है बाबा, ये सब चीज़ में ये सब धार रहता है इसके अंदर ही, थोड़ा भी चुका ना कट करके हो जाता है। सीखने को सीख सकता है, लेकिन इसको सीखने के लिए परफेक्ट होना चाहिए, क्या है हाथ पैर कटने से तो सीखना ज़रूरी है, नया नया थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद में एक बार सीख गया तो ठीक है। ये इसको लाश बोलते हैं, लाश लाश भी बोलते हैं, 3 टांग भी बोलते हैं, सब अलग अलग है। ये वजन के ऊपर मिलता है, इसके ऊपर पूरा सूट तैयार होता है पूरा। ये आपने ये कितने में लिया था? वो पिताजी के टाइम का है। अच्छा मतलब ये उतना पुराना है? उतना पुराना है। उठाओ ना उसको एक बार हाथ में उठाओ। तो तुम एक जूता बना रहे थे, उसका सिलाई कर रहे थे, तो एक लड़की आके तुमको बोल रही थी कि कब से बना रहे हो, मेरा छोटा सा टाका मार ले रहा है, मालूम है अंकल बैठे थे बुड्ढे से। बराबर है, लेकिन ऑलरेडी कस्टमर हाथ में रहेगा तो कैसे है, वो फुकर भड़क रही थी। भड़कने से क्या है, अभी उसकी जगह पे अगर आप रहेंगे तो कैसा रहेगा फिर।
मैं तो बैठा था, मैं बोला ठीक है तुम उसका ही बना दो पहले, मेरे को चलेगा। मैं ऐसे ही देखो, घोड़े वाले कस्टमर बहुत आते हैं इधर, जिनको काम करवाना रहता है वो रुकते हैं। गाय तो अभी किसको गाय नहीं, सब लोग को गाय है, लेकिन क्या हैंडमेड है, हाथ से काम करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है।